तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम का हम लोग फाइनल हिंदी का एक जो है क्वेश्चन पेपर जो कि बिहार बोर्ड ने खुद से जारी किया। आपकी जानकारी बताते हैं, अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग आज को 50 क्वेश्चन आप लोग को जो पूछे जाएंगे टोटल यहाँ से पूछेंगे हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस लाइव सेशन में। तो आप लोग को शुरू से अंत तक जाना है और इस 100 क्वेश्चन में से आप लोग को 50 क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आपको जो है जानकारी में पता होगा कि आप लोग को 50% का ही आंसर देना है, यानी आप लोग को 100 में से 50 का ही आंसर देना है। अगर आप लोग इन 100 को देख लेते तो आपका 50 क्वेश्चन जो 100% बन जाएगा, जहाँ पे आप लोग पूरे 50 के 50 बना के आ सकते हैं यहाँ से पढ़ के। ठीक है, तो आप लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से अंत तक देखते रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को, लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड्स शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, बाकी आप लोग को पता होगा 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा और जो हम लोग फुल मार्क्स जो रहेगा 100 का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सॉल्व जो रहेगा आपका कहीं से भी हो सकता है, लेकिन 50 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पूछा जाएगा, चाहे वो आपको क्वेश्चन कहीं भी रहेगा, लेकिन आप लोग अगर 100 क्वेश्चन याद करो तो आपको 50 क्वेश्चन 100% आप लोग आराम से बना के ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भगति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गई, किस पठित पाठ की पंक्ति है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो का क्या आंसर होगी? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कवित्त, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, मुक्ति बोध का पूरा नाम है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या आंसर होगी? फटाफट कमेंट करेंगे। मुक्ति बोध का पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था बोल रहे हैं? फोर नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चार स्क्रीन पे देख पा रहे ऑप्शन सॉरी चार ऑप्शन देख पा रहे हो स्क्रीन पे। फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे 1950 से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन कहा कि मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कब हुआ था? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या आंसर होगा? इसका जन्म हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि रघुवीर शाह का निधन कब हुआ था? रघुवीर शाह का निधन कब हुआ था? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन का क्या आंसर होगी? यहाँ पे 1990, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर एट का आंसर, बता फटाफट करेंगे। ऑप्शन बी जगह सभी का आंसर आना चाहिए 1950, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर करेंगे फटाफट क्या आंसर होगी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए 1948, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी। करके हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर बताएंगे फटाफट, यहाँ पे जगह आपका ऑप्शन नंबर ए डायरी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक में किसकी महिमा का बखान है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चलेगा प्रेम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से गद्य कविता है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह हार जीत चुकी है गद्य कविता है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उषा का जादू कब टूटता है? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सूर्योदय के समय उषा का जादू टूटता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। एकदम अंत तक देखना है, सारे 100 क्वेश्चन को पूरा करना, तभी आप लोग 50 क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पूरी तरह से वीडियो को देखना है और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, तो सब तक पहुंच सके। ठीक है, 14 क्वेश्चन कराया कि काली राम जो है किस पठित पाठ से संबंधित है? काली राम किस पठित पाठ से संबंधित है? 14 का आंसर फटाफट क्या होगा? तो इसका ऑप्शन में जूठन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है आपको, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा बल्लभाचार्य, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करा कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे? संत तुलसीदास जो किस प्रकार के कवि हैं, तो बताएंगे 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे सी, जगह क्या सामान्यवादी, ऑप्शन नंबर यहां पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सामान्य क्या कहते हैं सामान्य युवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पठित पाठ में त्रिज जो है क्या है? पठित पाठ में जो है त्रिज क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे विषैली छिपकली होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 17 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस की, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए कराए कि निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या होगा? 30 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में यहाँ पे ये जगह रामधारी सिंह दिनकर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करा कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जायसी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कविता के नए प्रतिमा के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ये हो जाएगा ना कविता के नाम और सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी आना चाहिए। चलिए 22 उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, बताएंगे 22 का क्या आंसर होगी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए 22 का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्म की, क्या होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 का, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है, गंडक नदी जो किस पठित पाठ से संबंधित है, तो डिफरेंस भी करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बी ओ सदानी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, त्रिज का किस पठित पाठ से संबंधित है, त्रिज का किस पठित पाठ से संबंधित है सबको बताना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 24 का यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग डी मानेंगे इनमें से कोई नहीं, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है, बताएंगे आप लोग 25 का क्या आंसर होगी, यहाँ पे आपका हो जाएगा वीर रस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा वीर रस। चलिए कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है, जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छायावाद, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है गैंग्रीन का संबंध किस पठित पाठ से है, 27 का बताएंगे फटाफट, क्या होगा गैंग्रीन का संबंध किस पठित पाठ से है, ऑप्शन क्वेश्चन का सी होगा त्रिज, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह की माता का नाम बताना आपको, 28 गैंग्रीन का संबंध त्रिज से नहीं होगा, क्या बोलता हूँ त्रिज से नहीं होना चाहिए, 27 बताएंगे अपने क्या होगा, 27 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, वन मिनट यहाँ पे हो जाएगा ना रोज हो जाएगा, क्या बोलते हम लोग गैंग्रीन का संबंध रोज से होना चाहिए, क्या बोलते 27 का ऑप्शन बढ़ी जाएगा। चलिए भगत सिंह की माता का नाम बताया हम लोग को, 28 का आपका हो जाएगा विद्यावती, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम लोग, भगत सिंह के पिता का नाम बताया आपको, तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सरदार किशन सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का नाम लोग को, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम बताना आपको, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्यामावती देवी, क्या हो जाएगा श्यामावती देवी। चलिए 31 क्वेश्चन करके, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम बताना आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है, 31 का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा यहाँ पे छोटनलाल, क्या होगा छोटनलाल ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम बताना आपको, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुकुंदी देवी, क्या होगा मुकुंदी देवी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि मुक्तिबोध की माता का नाम बताना आपको, मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पार्वती बाई, क्या होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या होगा यहाँ होगा जयपुर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम बताना आपको, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या होगा 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंडित शिवराम, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज क्या कहते हैं राजापुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो है स्थल कहाँ है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है, 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा गोड्डा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोग अंत तक देखना है सारे क्वेश्चन का, अच्छे से आप लोग रिविजन करना चाहते हो पीडीएफ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए 30 का गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान बताएंगे आप लोग, 38 नंबर क्वेश्चन कहां से क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, 38 का ऑप्शन यहां पे हो जाएगा श्योपुर ग्वालियर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहां है बताएंगे, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निहलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मनरूप देवी एवं रवि सिंह, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कराएगा, अगय के माता पिता का नाम बताएंगे, अगय के माता पिता का नाम क्या, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा वैंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाना सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को, 42 क्वेश्चन जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम बताना आपको, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए संजीव अम्मा एवं नारायण जिद्दा, ठीक है जिद्दू, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम बताना आपको, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में होगा पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करेंगे जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बताना आप लोगों, 44 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन में यहां पे हो जाएगा देवी प्रसाद साहू, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु की बात की जा रही है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल्लभाचार्य, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के जारा क्या है, मौत और न्यूमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला, कहते
जा रहा है। क्या है मौत और निमोनिया के से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है। 46 क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताएंगे आप लोग क्या होगा। 46 का आपका राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा था, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए कह रहा है कि सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है, सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 47वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी उसने कहा था, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली, दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है, तो सबको आंसर आना चाहिए। 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा ना, क्या बोलते हो लोग, नारी और प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर बी 48 का बी होगा क्या, नहीं ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर होना चाहिए, क्या बोलते हो लोग, नारी और नट एक ही द्रव्य की ढाली प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है, नागार्जुन या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे ये होगा, क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, ये पंक्ति किस पठित पाठ की है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी अर्धनारीश्वर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि तेरी कुर्माई हो गई किस पठित पाठ की है, सबको बताना चाहिए उसने कहा था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिहाई त्रिहाई करना इस मुहावरे करते होगा, काफी इजी क्वेश्चन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएंगे फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 51 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए आना चाहिए, बहुत दुखी होना, तिराई तिराई करना इस मुहावरे करते होता है, बहुत दुखी होना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे कान देना इस मुहावरे करते होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, कान देना यानी ध्यान देना, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेगा, क्वेश्चन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि घी के दिए जलाना इस मुहावरे कर देना आप लोगों को, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी आनंद मनाना, क्या होता है आनंद मनाना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंथ दो काज मुहावरे कर क्या है, एक पंथ दो काज इस मुहावरे कर क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो डिफरेंस का आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दो कार्य एक साथ होना, क्या होगा दो कार्य एक साथ होना। कह रहा है कि जी चुराना इस मुहावरे का होगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किसी काम से भागना, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके लकीर का फकीर होना इसे मुहावरे का अर्थ है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह परंपरावादी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें कि नायक शब्द का संधिविच्छेद है, नायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, नेचर एक्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हमको उद्गम शब्द का संधिविच्छेद है, उद्गम शब्द का संधिविच्छेद बताना है आपको, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, उत्तजोरगम क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें जगदानंद शब्द का संधिविच्छेद, आपको जगदानंद शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगत जोर आनंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि महाशय शब्द का संधिविच्छेद है, महाशय शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजोर आशय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके मनोहर शब्द का संधिविच्छेद होगा, मनोहर शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनह जोर हर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कराए कि 62 कमलेश शब्द का संधिविच्छेद, आपको कमलेश शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी कमल जोर इस बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कराए जगत शब्द का विशेषण होगा, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश जगत का जो विशेषण होगा जगदीश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कराए आधार शब्द का विशेषण है, आधार शब्द का विशेषण क्या होगा, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारित क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 संस्कृत शब्द का विशेषण है, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृतिक क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए 66 का रहेगा अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा, अग्नि शब्द का विशेषण 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अग्नि क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 दीन शब्द का विशेषण, दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैनिक क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 करके फीसदी शब्द में उपसर्ग है, फीसदी शब्द में उपसर्ग बताना आपको, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए फी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए बिन देखा शब्द में उपसर्ग है, बिन देखा शब्द में उपसर्ग है, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि नाचीज शब्द में उपसर्ग है, नाचीज शब्द में उपसर्ग बताना आपको, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना, ना जो कि उपसर्ग लगेगा नाचीज में, ठीक है। चलिए इसी तरह बढ़ते रहिए आप लोग, 71 क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने वाला शब्द में पढ़ती है, पढ़ने वाला शब्द में पढ़ती क्या होगा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा, 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पे वाला जो कि पढ़ने वाला शब्द में वाला उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन 72 का खिलाड़ी शब्द में पढ़ते बताना, खिलाड़ी शब्द में पढ़ते क्या होगा, तो यहां पे डिफरेंस भी बताना चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा
ऑप्शन में ए होगा आर खिलाड़ी में, चूंकि आर ही पढ़ते लगा हुआ है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि दिखावट शब्द में पढ़ते आपको, दिखावट में पढ़ते क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर्ट, जो कि पढ़ती है दिखावट में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में शुद्ध शब्द है, ध्यान देना आप लोग कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे आप लोग को 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसार, जो कि शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 74 का। 75 का निम्न में शुद्ध शब्द पहचाना है यहाँ पे भी, तो पुरुष जो कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भूतकाल के कितने बजे होते हैं, तो भूतकाल के कितने बजे होते हैं, 76 क्वेश्चन होगा 6 बजे होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 77 का हो जाएगा आपका सभा अध्यक्षी, क्या होगा सभा अध्यक्षी, ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग 78 का हो जाएगा आपका नायिका, क्या होगा नायिका, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक शब्द का मैं अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग बताना आप लोगों को क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे 79 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा अधि, उपसर्ग जो भी बात की जा रही है, तो यहाँ पे अधि बिल्कुल इस क्वेश्चन करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करके अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग बताना आप लोग को, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेंगे ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह अधि, अधि अधिकार में क्या है उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लिखाई शब्द में पढ़ती है, लिखाई शब्द में पढ़ती है, आप लोग को 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आई, जो कि पढ़ती लगा होगा, ठीक है आई क्या लगाया पे पढ़ती, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें कि दौड़ने वाला शब्द में पढ़ती बताना आपको, दौड़ने वाला शब्द में पढ़ती है बताना आपको, 82 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आपको 82 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह वाला, दौड़ने वाला में वाला जो कि पढ़ते लगा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन करके मरता शब्द में पढ़ते आपको, मरता शब्द में पढ़ती है, तो बताएंगे 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे, तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ता, जो कि एक पढ़ते लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलौना शब्द में पढ़ते आपको, खिलौना शब्द ये इसमें जो है पढ़ते क्या होगा बताना आपको, पढ़ते क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे 84 का, तो डेफिनेटली सही का आंसर जो आना चाहिए औना हो जाएगा, खिलौना में औना जो कि पढ़ती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे, तो बिल्कुल सही का करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ किसे बोलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाइए। म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का ऑप्शन नंबर ए, म भी औष से बोलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि थ वर्ण का उच्चारण स्थान, थ वर्ण का उच्चारण स्थान 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा दंत, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा थ। चलिए ध वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ध ध भी क्या बोलते हैं उसी तरह दंत भी शायद बोला जाता है, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कंठ, ध तो थो दो धो, ये भाई दंत लाइट का लग रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ वर्ग का उच्चारण समझेंगे आप लोग, 89 का क्या होगा, 89 का होगा गौ जो है कंठ से बोलते हैं, गौ जो क्या बोलते हैं कंठ से, ऑप्शन क्वेश्चन का डी होगा। उसके बाद भाव वर्ण का उच्चारण समझाना आपको, भाव वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं 90 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा ओस्ट, भाव जो ओस्ट से बोलते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वर्ण का उच्चारण स्थान आपको 91, तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंत हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ढ वर्ण, ढ का उच्चारण स्थान 92 का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ख वर्ण का उच्चारण स्थान बता रहा है, क्या बता रहा है आप लोग को, ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ख कहाँ से बोलते हैं, ओ क्या कहते हैं मुर्दा से बोलते हैं 93 का, क्या होगा ऑप्शन नहीं कंठ से बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 94 का आपका हो जाएगा तालु, छ जो हम तालु से बोलते हैं, क्या ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। यमुना शब्द कौन सा संज्ञा है, 95 यमुना शब्द आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट बी होगा, ठीक है। यमुना क्या है व्यक्तिवाचक, क्योंकि यमुना की खास है, खास को हम क्या कहते हैं व्यक्ति कहते हैं, ये की है ना यमुना। मंत्र शब्द कौन संज्ञा है, मंत्र शब्द ना आपको मंत्र शब्द कौन संज्ञा है, तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जातिवाचक है, क्या हो जाएगा जातिवाचक। मंत्र कई तरह के हो सकते हैं, किसी का भी मंत्र हो सकता है, तो इसमें किसी खास चीज नहीं दिख रहा है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मिठास शब्द कौन संज्ञा बताएंगे, 97 का ये आपका भाववाचक हो जाएगा, क्या होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 98 का गुच्छा शब्द कौन संज्ञा, तो गुच्छा पता है शुक्र है, 98 का होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ये समूह में पाया जाता है, गुच्छा जो होगा समूह अच्छा हो जाएगा। चलिए मोती शब्द कौन संज्ञा, तो मोती आपका हो जाएगा क्या,
99 का आपका ये भी हो जाएगा द्रव्यवाचक, मोती सोना चांदी ये सब जितना भी थे द्रव्यवाचक में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए करेक्ट, चावल शब्द कौन संज्ञा है, तो चावल आपको बताना चाहिए। 100 का हो जाएगा आपका ये द्रव्यवाचक, ये भी आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सारे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर चाहते हैं तो आप लोग नीचे देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट में क्या क्या पूछ सकते आपको। निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखना है, पीए कविता, सुधर कुमारी चौहान, या फिर मेरा मनपसंद पर्व है, या फिर दहेज प्रथा, या फिर स्वस्थ और योग मोबाइल, या फिर विद्यार्थी जीवन, या फिर वृक्षरोपण और मृदा प्रदूषण। ये सारी चीजों पे आप लोग 6 ऑप्शन दिया जाता है, आप लोग किसी एक पे जो है निबंध लिख सकते, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतारों की प्रशंसा करें, यानी दो आपको यहाँ पे दिया हुआ लाइन दिया हुआ, इन दोनों लाइन के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से डिटेल से समझाना है। क्या कहते हैं कि नहीं, दो अवतरण का लिखना है, मतलब सॉरी 8 दिया हुआ आपको, सॉरी 4 दिया हुआ है जिसमें से दो ही बनाना है, 1, 2, 3 या 4 दिया हुआ, ठीक है। ये 4 लाइन दिया हुआ है जिसमें से दो के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझाना है, जिसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा। टोटल आपको जो है 4, मतलब एक एक पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, यानी टोटल आपको 8 मार्क्स मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो चाहे आप क बनाए, ख बनाए, ग बनाए, घ बनाए, कोई बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपने प्रधानाचार्य पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें कोरोना वैक्सीन की राहत शिविर लगाने के लिए आग्रह किया गया। ये पत्र आप लिख पाएंगे इजीली, ठीक है। यहाँ पे आपको पत्र में आपको 5 नंबर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, ये काफी इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछने वाला है, आप लोग को चिंता की कोई बात नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर दें, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जिसमें 5 का ही आंसर देना है, ठीक है। फिर बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर देना है, कैसी मृत्यु जो है ये आपको सब्जेक्टिव टाइप के पूछे गया किताब से, ठीक है। और किताब के अंदर से आप लोग जो पढ़े होंगे क्या कहते हैं कहानी वगैरह निबंध सब जितना ही पढ़े हैं, इन सबसे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन रहा है जिसमें 3 वगैरह दिया, आपको 5 का जवाब देना है, जिसमें 15 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा हो सकता है इजी, आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लोग को इसी इजीली बना सकते हैं, अगर कहानी को अच्छे से आप लोग निबंध वगैरह सारे को अच्छे से समझे होंगे तो, ठीक है। वगैरह निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षिप्त कीजिए, संक्षिप्त करना है, देखो संक्षिप्त में काफ़ी ईजी है, इसको पूरी तरह से आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर इसको जो है आपको इसके 3/4 में बांट देना है, यानी अगर आपको 20 वर्ड है तो मतलब 20 शब्द है तो आपको 4 शब्द में लिखना है, अगर इसी तरह 100 है तो आपको कितना में 25 शब्द मतलब शब्दों में लिखना है, ठीक है। इस तरह का आप लोग को संक्षिप्त में लिखना होता है, ठीक है। सिर्फ उसको खोल के बता रहे हैं, आप लोग को शॉर्ट में उसको समझाना है, तो ये काफ़ी ईजी होगा। बाकी आप लोग को मोटेपेपर बता दे रहे हैं कि मोटेपेपर आप लोग कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, ठीक है। गूगल में आकर लिखना है क्या, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग लिखना है VBI क्वेश्चन या फिर बोर्ड परीक्षा, सिंपली बोर्ड परीक्षा लिख करके आप लोग सर्च कर देना, ठीक है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट आएगा सिंपली इसी पे आप लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग बताते हैं हमेशा की तरह, सबसे पहले आपको हो सकता है कुछ अगर नेटवर्क स्लो हो तो आपका हो सकता है लोड होने में टाइम लगे, लेकिन अगर नेटवर्क फास्ट हो तो फटाफट आप लोग का लोड हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कब ये लोड होता है, ठीक। जैसे लोड लगा आपके सामने एक तरह लिखाएगा PDF डाउनलोड करने क्लिक करें, तो सिंपली यहाँ पे कुछ भी दिख रहा होगा आप लोग एक बार क्लिक कर लेना है, और क्लिक करके फिर आप लोग को पीछे आ जाना, ठीक है। सिंपली आप लोग को नीचे आना है, वहाँ पे क्लिक जरूर करना आप लोगों को, ठीक है। और नीचे में आप लोग को मिला है बिहार बोर्ड स्पेशल मोटेपेपर 2022 10 सेट, और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है क्लिक हेयर वाला, इस पर आप लोग को जल्दी सिंपली से क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहुँचा देगा जहाँ पे आप लोग सारे मोटेपेपर का सोल्यूशन करके आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो हम बताए बताया वहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए, 50 तो आप लोग 100% आना ही है, लेकिन आप लोग और भी एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप नीचे में और भी सारे चीज सब्जेक्ट के दिया होगा, आप लोग बिल्कुल फ्री में पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए अपना तैयारी बिल्कुल यहाँ पे फ्री में शुरू कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, बस यहाँ पे आप लोग पढ़ के पूरी तैयारी आप लोग को करना है और एग्जाम में आप लोग को टॉपर बनना है, ठीक है। तो ये तक लाइक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जय हिंद जबरदस्त एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।